आई एम सईद अब्दुल रहमान, CEO एंड co-founder ऑफ विजिट कश्मीर प्राइवेट लिमिटेड। आज के दिन हम लोगों ने जो है कश्मीर एयर का लाइसेंस हासिल किया है और ये हम लोगों का जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस चलता आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा एक स्टेप है। इसमें हम लोगों को पहले ही हम लोग दयार रिजॉर्ट्स के नाम से एक रिजॉर्ट फैसिलिटी चला रहे हैं और अब हम लोगों को इससे ये बेनिफिट होगा कि हम एयरलाइन का एक फीचर जो है अपने गेस्ट को और अपने ऑडियंस को वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और बाकी डिफरेंट शहरों से लोगों को हेलीकॉप्टर सर्विस मैसर करेगी और जो गिलगित, स्कर्दू और ओवरऑल सारा टूरिज्म पैकेज देगी। और उससे हमें हो जाएगा कश्मीर की ऐसी जगहें जो कि लोगों ने नहीं देखी हुई और जहाँ पर रोड एक्सेस नहीं है, वहाँ पर एयरलाइन के थ्रू, एयर सर्विस के थ्रू आप आ सकेंगे। और हम लोग ऑलरेडी इसमें रिजॉर्ट्स के बिज़नेस में हैं तो हम लोगों के पास अकोमोडेशन, लॉजिंग और इसका भी फैसिलिटी है, तो उसमें ये काफ़ी एक प्लस है दोनों चीज़ें प्रोवाइड करना और वो करना। तो हम लोगों के लिए जो एयरलाइन का वो है जो कि फर्स्ट स्टेप में हेलीकॉप्टर सर्विस होगी और नेक्स्ट स्टेज में फिर फिक्स विंग और उस पर जाएंगे। तो अभी जो जो लाइसेंस हम लोगों को मिला है वो एयरलाइन का कश्मीर एयर के नाम से टूरिज्म के जो है वो हेलीकॉप्टर सर्विस का है, तो हम लोग उसमें अब फैसिलिटीज़ देंगे रिजॉर्ट्स की भी प्लस एयरलाइन की।